गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। लास्ट वीडियो जो मैंने अपलोड किया था, जो मेरा शॉपिंग हॉल था मटेरियल का, तो उसको आपने बहुत ही ज्यादा प्यार दिया, तो उसके लिए बहुत ही ज्यादा थैंक यू, शुक्रिया फॉर दैट। एंड या आज मैं आपको सिखाने वाली हूँ ब्रेसलेट, जिसको भाभी राखी की तरह भी आप यूज कर सकते हो। तो हम लोग देखते हैं कि वो कैसे बनता है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। तो यहाँ पे मैं आपको ब्रेसलेट कैसे बनता है वो दिखाती हूँ। पहले मैं गंठन माला ले रही हूँ एक, उसको कट करना है। तो पहले मैं अपने हाथ के साइज के हिसाब से कट करूँगी। आप जितना भी साइज लेना चाहो उतना ले सकते हो, मैं अपने हिसाब से ले रही हूँ। तो उसको कट करना है। तो ये इतनी लाइन हुई। अभी सेम मैं दूसरी चेन ले रही हूँ, वो मैंने पहले से ही कट करके ही रखी हुई है। ये गोल्डन चेन और ये गंठन माला, दोनों मैंने कट करके ही पहले से रखा हुआ है। अभी मैं यहाँ पे एक जंप रिंग ले रही हूँ, उसको खोलना है। जंप रिंग को कड़ी भी बोलते हैं। उसको खोल के, और ये छोटी साइज़ में है, सारी अलग अलग साइज़ में भी अवेलेबल रहेगी। मैंने सबसे छोटी वाली यूज़ की है क्योंकि छोटी अच्छी दिखती है। ये पहले ऐसे अटैच करना है, कड़ी के अंदर गंठन माला को डालना है, फिर गोल्डन चेन मैंने डाली है, और फिर से मैं गंठन माला को डाल रही हूँ। तो ये एक अलग पैटर्न हो गई, आप कोई भी पैटर्न में बना सकते हो। तो मैंने इस तरह से बनाया है। तो यहाँ पे मैं कड़ी आंकड़ा लगा रही हूँ एक साइड पे, और अभी इसको लॉक कर देंगे हम लोग। तो ये कड़ी को बंद कर दिया, तो इस टाइप से दिखेगा। देखिए, तो अभी मैं यहाँ पे सारी चेन एक साथ में रख रही हूँ, क्योंकि कोई चेन साइज में बड़ी है या ऐसा कुछ हो तो प्रॉपर मैं साइज रख के कट कर रही हूँ। ये वाला जो बचा हुआ पार्ट था मैंने कट कर दिया। अभी सब एक सेम साइज़ की ही है, तो ये करना बहुत ज़रूरी है, वरना ये ऊपर नीचे फिर अच्छा फिनिशिंग नहीं दिखता। मैंने यहाँ पे दूसरी कड़ी ले ली है, उसको ओपन करके फिर मैंने फिर से गंठन माला, फिर बाद में ये बीच वाली जो गोल्डन चेन, और फिर से गंठन माला मैं अटैच कर दूँगी। तो इस तरह से अभी यहाँ पे जो आंकड़ा है ना, मतलब जो लॉक करने के लिए जो चाहिए होता है, ये इस साइड पे है इस। ओके, तो ये वाला है, उसमें ये कड़ी मैं अटैच कर दूंगी। अभी इसको प्रेस करना है। ध्यान रखिए कि बिल्कुल भी गैप नहीं रहनी चाहिए, वरना निकल जाएगा। अभी ये देखिए, ऐसे भी आप पहन सकते हो, क्योंकि ये भी बहुत ही प्यारा दिखता है। पर अभी हम लोग लुम्बा राखी बना रहे हैं, इसलिए हमें नीचे हैंग करना ही होगा। तो मैं यहाँ पे एक छोटा सा पेंडेंट ले रही हूँ, जो नीचे हैंग करूँगी। अब उसके लिए मैं एक छोटा सा बीड ले रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे दो साइड होल है, तो एक साइड पे मैं नीचे की साइड पे एक छोटा सा बीड हैंग करूँगी, तो बहुत ही प्यारा दिखेगा। तो यहाँ पे मैं रेड कलर का ले रही हूँ। अभी यहाँ पे मैं हैंग कराया और बंद कर दूँगी इसको। ये बहुत ही प्यारा दिख रहा था, और इसकी आप इयररिंग भी बना सकते हो, और एक चेन के अंदर नेक लाइन भी बना सकते हो, बहुत ही अच्छा दिखेगा। अभी यहाँ पे मैं पल वाली, पल होता है उसका बॉल ले रही हूँ। यहाँ पे मैंने टाकनी ली है। टाकनी एक साइड से यहाँ पे खिल के जैसी होती है, और दूसरी साइड से ओपन होती है। दूसरी साइड ओपन है, वहाँ से मैं बॉल अंदर डाल रही हूँ। अभी हम बचा हुआ पार्ट कट करेंगे, थोड़ा ही गैप रख के फिर कट करना है। तो थोड़ा सा ही रखा है, अभी कट ये पकड़ की हेल्प से पहले खुद की और मैं तार को कर रही हूँ, और अभी ऐसे टर्न आउट करना है दूसरी साइड पे, ऑपोजिट साइड से टर्न आउट करना है। तो ये प्रॉपर टर्न हो गया है, देखिए यहाँ पे। तो ये मैं दूसरा बीड ले रही हूँ, ये डायमंड वाला बीड है, और ऑफ वाइट कलर में है, और बहुत ही अच्छा दिख रहा है ये भी, क्योंकि ये लगाने से थोड़ा हैवी लुक भी आएगा। तो इसलिए ये भी मैं टाकनी में सेम वे से डाल रही हूँ, थोड़ा गैप रख के उसको कट करना है। फिर से सेम वे से पहले मैं खुद की ओर ही टर्न करूँगी, और फिर ऑपोजिट साइड टर्न करना है। देखिए,
ऊपर से पकड़ा और ऑपोजिट साइड टर्न कर दिया, तो ये अच्छा टर्न आउट हो गया। और ये अच्छा फिनिश, मतलब फिनिशिंग जो होता है वो प्रॉपर होना चाहिए, प्रॉपर हुआ है। आपको इस सेम वे से ही करना होगा। ये तीन पेंडेंट मैंने बना दिए हैं। अभी मैं ये गोल्डन चेन ले रही हूँ, उसको अनइवन ही मैं कट कर रही हूँ। ऐसा कोई मेजरमेंट मैंने नहीं लिया हुआ है, मैं सिंपल ऐसे ही कट कर रही हूँ, थोड़ा थोड़ा चेन ले रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने तीन पेंडेंट बनाए हैं, इसलिए मैं तीन चेन लूंगी। तो अभी एक जंप रिंग वापस से मैं ले रही हूँ। उसको ओपन करना है और सारी चेन एक ही जंप रिंग में डालनी है, मतलब तीन जो कट किया है वो एक ही जंप रिंग में जाएगा। तो ये मैंने हैंग कर दिया है और ये भी बहुत ही प्यारा दिख रहा है। ये इसकी भी आप इयररिंग बना सकते हो, जैसे यही वाला है, हैंगिंग आती है उसमें डाल दीजिए, बहुत ही अच्छा दिखेगा। यहाँ पे मैं जो लॉक हमारा है उसका जो कड़ी होता है उसके अंदर ही मैं नीचे अटैच कर रही हूँ, क्योंकि वो हैंग होगा फिर बहुत ही अच्छा दिखेगा, इसलिए मैं सबसे नीचे वाले होल होता है उसमें मैंने ये हैंग कर दिया है। देखिए अभी जो हैंग किया है उसमें ये वाला बीड और ये जो पेंडेंट हमने छोटे छोटे बनाए हैं ये अब हम हैंग करेंगे इसमें। तो यहाँ पे देखिए मैंने पूरा टर्न नहीं किया था, मैंने थोड़ी गैप रखी थी क्योंकि हम लोग इसको चेन को डायरेक्ट ही इसमें डाल दें। तो इसमें ऐसे डाला और अभी यहाँ पे पूरा टर्न कर दूंगी, बिल्कुल भी स्पेस नहीं रहनी चाहिए। तो ये एक तो हो गया है। अभी मैं दूसरा जो फ्लावर वाला पेंडेंट है वो हैंग करूंगी, उसमें कड़ी लगेगी क्योंकि ये पूरा पेंडेंट टाइप है, तो इसमें मैं कड़ी की हेल्प से देखिए इस टाइप से अभी यहाँ पे जो चेन है उसमें ये कड़ी अटैच कर देंगे और फिर उसको प्रॉपर वे से प्रेस करना है, गैप बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए। ये तीसरी चेन है उसमें हम लोग तीसरा पल वाला बॉल है, पल वाला मोती वो डाल देंगे। ये पूरा पल वाला है, इसको थोड़ा सा ओपन किया फिर उसमें ये गोल्डन चेन डाल दी। अभी फिर से जो खोला था उसको प्रॉपर फिर से बंद कर देंगे हम लोग। तो ये हो गया है हमारा ये ब्रेसलेट रेडी, लुम्बा राखी भी बोल सकते हो। तो ये बन गया है, रेडी हो गया है और मैं आपको पहन के दिखाती हूँ कि एक्चुअली दिखता कैसा है। ये बहुत ही रियल में बहुत ही प्यारा दिख रहा था, उतना मतलब फोटो में आप जस्टिस नहीं कर पाते, बट बहुत ही अच्छा दिख रहा था। तो या आज का था हमारा यही वीडियो। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, कमेंट में आप ये मुझे सजेस्ट कर सकते हो कि कौन सा वीडियो मैं आगे बनाऊँ। ओके टिल देन, बाय बाय।